गाइस जब खाने की बात होती है देयर इज नथिंग बेटर देन घर का खाना। वेलकम टू टीयूजी की ब्रांड न्यू सीरीज। और यही घर का खाना खाने हम आ गए हैं नेहा के घर इन नासिक। हम आपके घर भी आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वही करना होगा जो नेहा ने किया। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे भरो, फिर हम आपके घर आ जाएंगे। फिलहाल मराठी खाना हमारा वेट कर रहा है, चलो। हाय, माझं नाव नेहा सोनवणे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको यहाँ पे देखने के लिए और उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए। नेहा के परिवार में है उनके हस्बैंड, मम्मा पापा देवर और उनकी प्यारी सी बेटी सानिका। नमस्ते, नमस्ते। मिलते ही सबसे पहले महाराष्ट्रियन रिचुअल के अकॉर्डिंग उन्होंने हमारे तिलक लगाए और हमारी पूजा करी, हमारी आरती उतारी। हमें इतनी ज्यादा इज्जत की आदत नहीं है वैसे। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर अतिथि देवो भव, वो सिर्फ बातें नहीं है, हमारे देश में मेहमानों को वाकई भगवान माना जाता है। आपने तो आने से पहले हमारे जाने की तैयारी कर ली। की प्यारी सी बेटी सानिका आई हमारे पास और उसने हमें पूरा इतना बड़ा बास्केट गिफ्ट किया जिसमें सारे नासिक के फेवरेट और फेमस स्नैक्स थे। एंड उसमें एक वाइन की बोतल भी थी, वो मैंने देख लिया, किसी को बताया नहीं, चुपचाप निकाल लूंगा। चलें फिर अंदर। अच्छा, महाराष्ट्रियन कल्चर के अंदर सेलिब्रेशंस के दौरान रंगोली की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि आज हम लोग नेहा के घर आए हैं, इस मौके को भी वो लोग सेलिब्रेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक एक कलर सेम चीज वही मैच कर रहा है। This is the 10% of rangoli in the whole house. Really? Yeah. अभी और भी बनी हुई है। इसको ना सिर्फ तभी बिलीव होगा जब हम इसके घर में रहना स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला कमरा मेरा है। घर जाते ही इतना होमली फील हुआ ना हमें, मतलब सच बता रही हूँ, ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी और के घर आए और पहली बार मिल रहे हैं। आपको ज्यादा पसंद कौन है, पापा या मम्मी? पापा। मेरे तो मम्मी पापा दोनों मारते थे। इसकी हरकतें अच्छी है। नहीं, मेरे को मेरी मम्मी ने मारा हमेशा, पापा नहीं। पापा से मैं बहुत डरती हूँ, आज भी डरती हूँ बहुत। मैं दोनों से नहीं डरती। दोनों से नहीं डरती। घर में घुसते ही खातिरदारी शुरू ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इससे पहले लाइफ में आम पन्ना तो बहुत पिए, बट सारे रेडीमेड जो शॉप्स वगैरह पे नहीं मिलते जिनसे गले खराब होते हैं, बट आज मैंने पहली बार घर का बना आम पन्ना पिया था एंड बहुत बढ़िया था वो। एक्चुअली वो गार्डन के ही पेड़ है। अच्छा, पेड़ है। हाँ। ये गिर गया। ये देखो, रुको, फंस गई है ये। अरे रुको रुको रुको, ये है ना नीचे। आपने कभी पेड़ से आम तोड़े हैं क्या? आप इसका स्वाद टेस्ट करो। ये होती है पता है लाइफ की असली लग्जरी। मुझे अपनी समर वेकेशन याद आ रही है, पता है? नानी के घर। ऐसा लग रहा है वापस स्कूल डेज में पहुंच गया। गाइस, थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर अर्बन कंपनी, जिनकी वजह से ये पूरी सीरीज पॉसिबल हो पाई है। नेहा की तरह अगर आपके घर में भी हम आए तो हम अपने साथ लेके आएंगे अर्बन कंपनी का ब्रांड न्यू नेटिव आरओ। ये आरओ कमाल का है यार, 2 साल तक इसे सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर देखने में तो हो, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। टीयूजी फैम के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ महाराष्ट्रियन वेज मेनू और नॉन वेज मेनू। नॉर्मली चिकन मटन तो जो रेसिपी पुरानी ही रहती है, पुरानी तो ऑथेंटिक वाली वही अच्छी लगती है। उनके लिए बर्तन भी मेरे को पुराने ही अच्छे लगते हैं, मोटे, जिनके तले मोटे हो वैसे सही हो तो। अरे मटन की ग्रेवी है। हाँ, ये मटन की। ये आपने कैसे, अच्छा आपने मटन डाला हुआ इसमें? हाँ, अब डाला है। उन्होंने मेरे को समझाया कि मटन मैं सीधा सब्जी के अंदर नहीं डाल रही, पहले बॉइल करूंगी, उसको कुक करूंगी, उसका मसाला अलग बनाऊंगी, फिर जब ये दोनों काम हो जाएंगे फिर साथ में दोनों को डालूंगी। अभी क्या बना रहे हो आप? पूरनपोली। यार मैंने पूरनपोली के बारे में सच बताऊं तो बहुत सुना है, मतलब एक ये पूरनपोली वर्ड ही इतना प्यारा सा लगता है मुझे।
बट कभी मेरे नसीब में नहीं हुआ खाने का, लेकिन फाइनली आज मैं ऑथेंटिक घर की बनी हुई खाने वाली हूँ। मैंने सिखाया सब। आपने सिखाया? आमरस और पूरन पुली साथ में खाते हैं। ओह, ये कॉम्बिनेशन है। मैंने गुजरात में खाया है आमरस, लेकिन मैंने यहाँ ने खाते हैं कि पीते आमरस को? खाते हैं। नेहा ने जैसे दो तीन पूरन पोली बनाई, उसके बाद उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई, आई वाज लाइक नेकी और पूछ। हो गया? आ गया ना? आप ही ने करा है जो करा है। मैं तो अब देखते हैं कि हल्का इंडिया का नक्शा बनाऊंगी या एक्चुअली मैं कुछ बना पाऊंगी। नहीं, अच्छा बन रहा है उल्टा। सब करा हुआ था, बस मैंने ट्राई करा उसको बेलने का, एंड आई थिंक वो मेरे से हो गया। अभी क्या बन रहा है? ये कोशंबीर। कोशंबीर क्या होता है? रायता टाइप होता है, पर हम लोग कोशंबीर बोलते हैं इसको। ओके। उसमें कुकुम्बर, टमाटो एंड अनियन रहता है। अच्छा, जब मैं नेहा और आंटी के साथ किचन में था, आई रियलाइज्ड किचन में एक भी प्लास्टिक का डब्बा नहीं है। इतने बड़े से लेकर इतने छोटे तक सिर्फ स्टील के डब्बे। मेरी मम्मी अगर इस घर में आती इंप्रेस हो जाती। इसके अंदर आपको पता कैसे लगता है कि कौन से डब्बे में क्या है? मुझे साबुदाना, मूंग की दाल। आपकी मम्मी को भी याद है क्या कि कौन से स्टील के डब्बे में क्या रखा हुआ? इफ यस, कमेंट्स में बताना। स्पेसिफिकली सबके लिए एक एक चीज बनी है। मैं जैसे वेजिटेरियन हूँ एंड दे न्यू कि मैं सिर्फ वेज खाना खाती हूँ, तो मेरे लिए बहुत सारी वेजिटेरियन आइटम्स बनी है। अंतिल और गट्टू के लिए स्पेशली चिकन एंड मटन बना है। महाराष्ट्रियन मसाले, जो मराठी मसाले होते हैं ना भाई, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होते हैं। बोलते हैं एकदम सूंघते ही, तो मटन और चिकन की खुशबू तो क्या नेक्स्ट लेवल आ रही थी। खाना बिल्कुल तैयार है, पूरा घर खुशबू से महक रहा है, पेट में चूहे नहीं हाथी दौड़ने लगे हैं, इसीलिए फटाफट से सारा खाना लेकर हम लोग पहुंचे फर्स्ट फ्लोर पर। मन कर रहा रास्ते में शुरू हो जाऊं। जिसपे खाना रख के खाते हैं उसको बोलते हैं चौरंग, जिसके चार पैर होते हैं, और हमारे यहाँ पंजाब में उसको चौकी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? प्लीज कमेंट करके बता देना, क्योंकि हर जगह अलग अलग बोलते हैं। थाली में एक चीज सबसे अलग लगी, उन्होंने सबसे पहले डाला नमक एंड उसके साथ रखा नींबू, टेस्ट बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सबकी टेस्ट बड्स अलग रहती है। मुझे कम पसंद होगा या आपको ज्यादा पसंद होगा, तो आप अपने हिसाब से उसमें। यानी खाने के बीच में किसी को उठ के नमक लेने नहीं जाना पड़ेगा, पहले नमक खा के। हमारे यहाँ जैसे फुल्का बनता है तो प्लेट में पूरा फुल्का रख देते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने उसको रोटी को चार बाइट्स में किया, और जिसको जितनी जितनी चाहिए उस एक बाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने सर्व करा। यार, मराठी क्यूजीन, घर का खाना, पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अंकल ने वरण भात से शुरुआत की, तो हम तीनों ने ये सोचा कि हम भी वरण भात से ही शुरुआत करेंगे। वरण भात यार, दाल चावल। ये उम्दा। हमारे लगभग हर जगह के क्यूजीन में हाथ से खाने की परंपरा है। एनी स्पेसिफिक रीजन कि हाथ से क्यों खाते हैं? रीजन बोले तो क्या, हाथ से तो खाने का उसका मतलब एक गर्म है, ठंडा है, ये भी पहले मालूम पड़ जाता है। तो बहुत बार क्या हो जाता है कि आप चम्मच से खाते हैं हम लोग, तो फिर थोड़ा कभी गर्म हो गया तो समझ में नहीं आता। फिर दाल चावल का बिल्कुल वही, जैसे घर का एक कम्फर्टिंग सा टेस्ट होता है ना, वो वाला स्वाद है। बट अब रोटी और थीचा, 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 अब ठीक बोला ना मैंने? परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये जैसे ही मैंने थीचा खाया मेरे होश उड़ गए। पिसी हुई और रोस्टेड हरी मिर्चें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वो बहुत टेस्टी थी। इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, वो सब्जी की तरह आप खा सकते थे रोटी के साथ। तो मैंने रोटी के साथ वो भी ट्राई करी एंड बाकी हर बाइट के साथ थोड़ी थोड़ी लगा के खाई वो। देखो, डिशेस का नाम लेना हो सकता है हमारे लिए थोड़ा टफ हो, उसके लिए पहले से सॉरी, बट वांग्या से भरीत खाकर मजा ही आ गया। बैंगन को वांगा बोलते हैं मराठी, तो वांगे, वांगा, और उसका भरी। भरता, भरते का टेस्ट इतना स्वाद है। आपने भरता जो बैंगन है वो रोस्ट किया था पहले? हाँ। जो रोस्ट का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा, गैस पर पूरा बहुत टेस्टी लग रहा। मटन खाओगे तो पागल हो जाओगे। अरे मैं देख के पागल हो चुका था। मैं तो दाल चावल की फैन हो गई यार। हम तो उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। सच बता रहा हूँ, बहुत जगह पर मटन खाया मैंने, सबको फेल कर दिया आपने। सच में? Oh my God, thank you. इतना टेंडर,
परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्पाइसेस. यू आर राइट, मैं पागल हो गया खा के. ये है मांसवाड़ी, सुनने में नॉनवेज लग रही है प्योर वेजिटेरियन. ये हमारी मम्मी की स्पेशलिटी है. ये दो पीस है या एक पीस है? नहीं, एक ही पीस है, वो पूरा बाइट एक साथ में लेते हैं. खाने में बहुत टेस्टी है, टेक्सचर इसका, टेक्सचर बहुत डिफरेंट है, अच्छा है, थोड़ा स्पाइसी भी है, अच्छा लग रहा है. एक बहुत तगड़ी फाइट चलती रहती है हमेशा, नासिक का मिसल अच्छा है या पुणे का? पुणे का. हाँ देखो, इनके दोनों जगह घर है. अब देखते हैं ये क्या, क्योंकि दोनों की टेस्ट और दोनों का प्रिपरेशन पूरा अलग है. और मुंबई तो कहीं रेस में ही नहीं है ना. मुझे अभी तक नसीब नहीं हुआ था घर का मिसल पाव, सो आई थिंक आज तो मेरा दिन बन गया. अमेजिंग, अमेजिंग. मैंने एक नहीं दो दो पाव खाए और पूरी मिसल की कटोरी खत्म करी है. मैं आमरस का बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ. आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस. देखो, आमरस के बारे में मैंने इतना सुना है ना, लेकिन आज तक कभी टेस्ट करने का मौका नहीं मिला था, स्पेशली ऑथेंटिक. ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? पूरन पोली इज अमेजिंग. थोड़ी देर बाद मिलते हैं, थोड़ी देर बाद. ये पूरन पोली और आमरस खत्म होने दो, उसके बाद बात करेंगे. मैं नहीं कर पाऊंगा. अरे भाई, ओह माय गॉड. Now I understand, पूरन पोली और आम रस के इस कॉम्बिनेशन के पीछे पूरा का पूरा महाराष्ट्र दीवाना क्यों है. चिकन बहुत स्वाद है, स्पाइसी बना हुआ है. बेसिकली जो हम विस्की वीडियोस करते हैं ना, कुछ भी जिसमें हमें चखना चाहिए होता है, उसमें उनसे चिकन सूखा. ये चखने की बात अंकल के सामने कौन करता है यार. गट्टू खुद तो पिटेगा, हमें भी पिटवा के घर से भेजेगा. ऐसा चिकन घर पे तो नहीं खाया मैंने कभी, लेकिन रेस्टोरेंट्स के अंदर थोड़ा बहुत सिमिलर मिल सकता है. जो मटन है, आज से पहले ये स्वाद ही नहीं मिला. थैंक यू, बहुत ही अमेजिंग. अच्छा, आपको ये ऑलरेडी पता है ना कि गिरीशा कितना कम खाती है, लेकिन आज देखो. जब ऐसी चीज आ गई खाली, कैसे रुका जाएगा, कैसे. अभी मैं और भी भरूंगी इसको. कोशंबी पैलेट क्लेंस करने के लिए, रिफ्रेशिंग माउथ फील देने के लिए परफेक्ट चीज. उसमें मीठा भी डलता है ना थोड़ा सा. कोशंबीर तो बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा जैसे हमारे घर पे वेजिटेबल रायता बनता ना, बट यहाँ पर रायता थोड़ा सूखा हुआ था. टाइम फॉर सम सेव भाजी. उसमें पहले से नींबू होता है क्या? नहीं. ओके. उसमें वो खट्टे वाला स्वाद किस चीज का? नमकीन का टेस्ट है ना. बट लेकिन ना जैसे मिसल और ये सेव भाजी सर्व हो, मुझे लगा शायद थोड़ा सिमिलर होगा, बट कम्प्लीटली फ्लेवर्स डिफरेंट है, दोनों बहुत ही अलग अलग है. अच्छा, मैं खाने में इतना खो गया था कि मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि बाकी सबका खाना फिनिश हो चुका है. बड़े लोगों का जब तक खाना खत्म नहीं होता तब तक हम लोग उठते नहीं है खाने पर से, बैठे ही रहते. लेकिन बड़े लोगों का खाना खत्म हो चुका है, क्या मेरे लिए वेट हो रहा है? बड़े लोग या गेस्ट? अच्छा, ओके. जब तक सबका खाना खत्म नहीं होता हम लोग. दैट्स ब्यूटीफुल. मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ, आप ठीक है? आई एम सॉरी, बट थैंक यू सो मच हमें घर का खाना खिलाने के लिए. थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें मौका दिया आपकी खातिरदारी करने के लिए, मेहमान नवाजी आपको सब ये सर्व करने के लिए आपने हमें चूज किया. नहीं, आई थिंक वी आर फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड सो ग्लैड. वी आर सुपर ब्लेस्ड कि हमें मौका मिला है यहाँ आने का और इतना अच्छा खाना खाने का और आपकी इतनी ब्यूटीफुल फैमिली से मिलने का. उनके साथ खाना खा के, उनसे बात करके एक ही बात मुझे समझ में आई है कि जैसे वो सब लोग ऑन स्क्रीन दिखते हैं उससे भी और ज़्यादा फ्रेंडली, फैमिलियर और बहुत बहुत काइंड हार्टेड सब लोग हैं. तो मुझे उनके साथ बात करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा. आई थिंक दैट इज़ वाई हम सब घर का खाना इस सीरीज के प्यार में पड़ गए हैं यार, बिकॉज ऑफ द लव दैट यू गाइज आर शोइंग टू अस. आप चाहते हो हम आपके घर भी आए, साथ में लाएं अर्बन कंपनी का ब्रांड न्यू नेटिव आरओ. उसके लिए आपको वही करना है जो नेहा ने किया. डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उस फॉर्म को भरो और हो सकता है अगली बार हम आपके परिवार के साथ खाएं आपके घर का खाना. अब बोलो तो सही, क्या करना है? क्या बोल रहे थे आप हमें? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अर्बन गाइस. ये